टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गोमो अपने फूफा जी को लेकर, क्योंकि वहाँ मेरे पापा ड्यूटी करते हैं। मेरे फूफा जी वहाँ पर मुलाकात वगैरह करेंगे पापा से, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ये व्लॉग बनाने का मेन मोटिव ये है कि मेरी जो मम्मी है वो इतने साल से यहाँ पर है, मेरे पापा भी इतने साल से वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ कभी गए नहीं है। और मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम बार वहाँ पर गया हूँ, तो मेरे मम्मी है और जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं तो वहाँ कभी गए नहीं है। वो जो प्लांट वगैरह है वो काफ़ी जंगली एरिया में पड़ता है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा और देखिएगा, और आप लोग भी देख लीजिएगा कि मतलब कैसे क्या होता है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो गैस फाइनली मेरे फूफा जी आ रहे हैं, वो पीछे में देख सकते हैं अति वाइट ड्रेस पहन के, और हम लोग जा रहे हैं रोड पर। वो गाड़ी आ रही है, उसी में बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे। फाइनली मेरे पापा यहाँ पर हैं, ये रूम में। पहले गए थे वहाँ पर कांटा घर में, तो कांटा घर में वहाँ पर नहीं थे, तो अभी यहाँ पर आए हैं। यही काम होता है, यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी है, वहाँ पर डंपिंग करने के लिए है, इधर गाड़ी है, यहाँ पर कांटा वगैरह होता है, इधर कैंप वगैरह है, वहाँ पर रूम है, वहाँ पर रूम, वहाँ अति पापा वहीं रहते हैं। यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है, उधर भी एक पॉपलेन है, वहाँ से डंपिंग वगैरह होता है, वहाँ पर क्रेशर मशीन है। और इधर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूर दूर तक आपको कोई घर नहीं दिखेगा। और ये गिट्टी है, ये जो है ये गिट्टी वगैरह है। ये देखिए यहाँ का पालतू कुत्ते लोग, पालतू कुत्ता। हाँ, ये सब जो पत्थर है वो माइन से आता है। सामने में यहाँ क्रेशर मशीन है, तो वहाँ पर जाके डंप होता है। और क्रेशर मशीन में दो को गाड़ी लगा हुआ है, वहाँ चलिए आपको दिखाते हैं कैसे डंप होता है। जब ये फूफा जी जा रहे हैं सामने, थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। देख रहे पूरा पत्थर रखा हुआ है, और ये सब जो पत्थर है वो तो दूसरा किस्म का पत्थर है। ये सब पत्थर से ना गिट्टी वगैरह बनता है, जो घर वगैरह मकान वगैरह जो बनते हैं ये सब पत्थर से। हाँ, ये सब गाड़ी में लोड है पत्थर वगैरह, और यहाँ क्रेशर मशीन है। ये सब जो पत्थर है गाइस, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक माइन से वहाँ से आते हैं, वहाँ पर ब्लास्टिंग वगैरह होती है, तो वहाँ से निकल कर और वही सब बड़ा बड़ा गाड़ी डंपर वगैरह में लोड कर और यहाँ पत्थर ला कर डंपिंग करते हैं। उसके बाद इधर आपको क्रेशर मशीन में पीस कर और ये गिट्टी वगैरह निकालते हैं। यहाँ नीचे काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, गाड़ी वगैरह लगी हुई है, सब उसमें लोड हो रहा है। यही है गाइस क्रेशर मशीन, काफ़ी ज़्यादा साउंड है यहाँ पर। क्रेशर मशीन में तो साउंड आएगा ही, वहाँ पर चक्री है, गोल गोल घूम रही है, मोटर है। क्रेशर प्लांट और यहाँ यही सब गिट्टी वगैरह बनते हैं। इधर गिट्टी है, इधर गिट्टी है, इधर गिट्टी, आपको इधर ज़्यादातर सिर्फ गिट्टी गिट्टी दिखेंगे। तो वही है रूम जहाँ मेरे पापा काटा करते हैं, वहाँ रूम में, तो वहीं से मेरे पापा सब इंचार्ज वगैरह करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं गाड़ी वगैरह आ रही है वहाँ अधिक गिट्टी लोड करके। अब काफ़ी टाइम यहाँ पर हो चुका है, तो अब यहाँ से अब लोग निकलेंगे। फूफा और पापा लोग वहाँ पर हैं, देख सकते हैं पीछे साइड वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ ड्राइवर से कुछ बात वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से और खाना वगैरह खा लेते हैं, देखते हैं
उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिलहाल घर भी जाना है, ये पापा से बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।